तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम। आप लोग देख रहे हैं सैम ब्लॉग है। तो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आपको आज मैं एक कहानी बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग में मैं तो हमेशा ब्लॉग ही बनाता हूँ, लेकिन मैं एक कहानी देखा जो कि बहुत ज़्यादा, कैसे बताऊँ, इमोशनल हो गया उसको देखने के बाद। तो उसको मैं आज आप लोग को पूरा बताने वाला हूँ। और मेरे वीडियो को जो भी पूरा देखते हैं भाई साहब, वही वीडियो देखें, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप लोग भी इमोशनल हो जाने वाले हैं। बहुत दर्दनाक कहानी है, सुनने के बाद थोड़ा रूह काँप उठेगी आप सबकी। तो मैं आपको कुछ पहले सीन दिखाता हूँ उसका, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा के रोहतक शहर में एक रोज सुबह अचानक ही एक प्रॉपर्टी डीलर के परिवार के चार लोगों का कत्ल हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि मौकाए वारदात से जाते जाते कातिल घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर जाता है। सवाल यह है कि आखिर कातिल को घर का दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी। सवाल यह भी है कि कातिल को घर की चाबी का कैसे पता चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल इसी परिवार का कोई करीबी है, कि मारना इतना आसान तो है नहीं भाई साहब। किसी को चार लोग कोई आएंगे घर में घुस के मार के चले जाएंगे, चाबी उनको पता है कि चाबी कहाँ पे, बाहर से ताला मार के जा रहे हैं। बेचारा लड़का जब वहाँ पे आता है ना, देखता है कि मम्मी नहीं है, पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहन नहीं दिखाई दे रही, नानी नहीं दिखाई दे रही है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर ताला मारा हुआ, सबके पास कॉल करता है लेकिन कोई नहीं मिलता है। तो सब होने देखने के बाद गए, जब वो देखता है ना तो हैरान रह जाता है। पूरा पूरा सीन जब देखता है वो, तो तुम रह नहीं पाता। पुलिस आती है, लेके जाती है सब बॉडी को, उसके बाद सब कहानी ख़त्म हुआ। तो आगे जो गाइस हुआ ना, वो भी आपको हैरान करने वाला है। बेचारे तीन दिन तक, चार दिन तक उससे कोई पूछताछ नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो ना इमोशन हो चुका था, कितना ज़्यादा अपने टेंशन में हो चुका था, उसका कोई बचा नहीं था गाइस। तो उसके बाद आगे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, उसके देखने के बाद आप लोग का दिमाग चकरा जाएगा गाइस, 100% श्योर कह रहा हूँ। अभिषेक उस रोज सुबह वाकई अपने घर से निकल गया था और दोस्तों के साथ उसने पार्टी भी की थी। अब पुलिस कुछ देर के लिए उलझ सी गई। पुलिस को कातिल तक पहुंचने का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान अभिषेक से कई बार पूछताछ हुई, लेकिन जिस बात ने एक बार फिर से पुलिस का सारा ध्यान घर के बेटे अभिषेक की तरफ ला दिया, वो था अभिषेक का बार बार अपना बयान बदलना। परिवार से अपने रिश्ते, लड़ाई झगड़े, वारदात के रोज घर से निकलने के वक्त, लौटने का वक्त, घर बंद होने जैसे तमाम सवालों पर अभिषेक ने अपनी ही बातों को काटने वाले जवाब दिए। और कत्ल के तीसरे दिन जब पुलिस ने एक बार फिर से अभिषेक से पूछताछ करने का फैसला किया, तो वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि ये चारों के चारों कत्ल खुद उसी ने किए हैं। उसी ने अपने माता पिता, बहन और नानी की जान ली है, क्योंकि घर वाले उसे समलैंगिक होने की वजह से नापसंद करते थे और उसकी बहन को ज्यादा प्यार करने लगे थे। और तो और, वो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन भी करवाना चाहता था और इसके लिए उसे 5 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन घर वालों ने उसे ये रुपए देने से भी मना कर दिया था। घर वालों ने उसकी स्कूटी उससे छीन कर उसकी बहन को दे दी थी और उसे पॉकेट मनी देना भी बंद कर दिया था, जिसके बाद वो घर वालों से ज्यादा ही नाराज था और इसी गुस्से में आकर उसने ये सारे के सारे कत्ल कर डाले। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, ऐसे ऐसे लड़के हैं दुनिया में गाइस, कि अपने माँ बाप को मार दिए, बहन को मार दिया आपने, अपनी नानी को मार दिया उसने, वो माँ जो उसने पैदा की थी, उसको जन्म दी थी, उसको उसने मार दिया। ऐसे लोग को क्या कहा जाए गाइस, कैसे कोई माँ बाप सेफ रहेंगे अगर ऐसे ऐसे लड़के हो जाएंगे सारे लोग। मैं गाली देना नहीं चाह रहा था गाइस, लेकिन दिमाग मेरा ख़राब हो चुका है। जब से देखा हूँ ना वीडियो, तब से मेरा दिमाग ख़राब है। और ऐसे लड़कों को ना पहले नंबर उम्र कैद होनी चाहिए, तो फांसी होनी चाहिए। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो गाइस, आज मैं सोच रहा था आप लोग को यही बताने वाला था। आप लोग अगर भी, आप लोग को भी बुरा लगा हो तो यार किसी को भेजो, किसी को और दिखाओ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं नहीं कहूँगा आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं चाहिए मुझे लाइक सब्सक्राइब। बस आप लोग ये वीडियो किसी को शेयर कर दो, कोई देख ले, उससे भी कह देना कि सब्सक्राइब नहीं चाहिए, लाइक भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कम से कम वीडियो पूरा पूरा देख लें। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि भाई साहब जो मेरा वीडियो पूरा देखता है सिर्फ वही देखें, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा था कोई, मुझे कोई वीडियो नहीं बनाना है फालतू का, सबको दिखाना है। ये मैं, मेरा खुद का इमोशनल था, मैंने उसको शेयर किया। मैं चाह रहा था आप लोग देखें कि ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, अगर उसको नहीं रहना तो घर छोड़ देता, चला जाता कहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग मेरे से राजी हैं तो भाई साहब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।
मेरा ब्लॉग आज थोड़ा आप लोग के लिए, ब्लॉग नहीं कह सकते हैं इसको, थोड़ा कह सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन था जो आप लोग के पास मैंने शेयर किया, उसको आप लोग देखें। प्लीज़ हो सके तो दो चार लोगों को ही शेयर कर दें गाइस, ज़्यादा नहीं, दो चार लोग को देखें सब लोग कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों से बचें। तो आज का ब्लॉग मैं एंड करता हूँ गाइस, आज का जो भी था मैंने आपको दिखा दिया, तो उसको आप लोग देखिए और समझिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा कुछ गलत मत करिएगा आप लोग भी, थोड़ा सब्र करिएगा, मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो सब्र करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।